नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात है सच। दोस्तों, बड़ी खबर आई है जम्मू कश्मीर से। नहीं, जम्मू कश्मीर के प्रदेश प्रशासन ने कल 2020 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है, पर हमारी मीडिया ने उसके बारे में कुछ भी जिक्र करना गवारा नहीं समझा। वैसे सवाल तो आपके दिमाग में भी होगा कि जब कोई जम्मू कश्मीर के उप कैलेंडर के बारे में बात नहीं कर रहा है तो इसमें ऐसी क्या खासियत है जो अचानक से इस पर हमें आपको बताने की जरूरत महसूस हुई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सरकारी कार्यालयों और शैक्षिक संस्थानों के लिए वर्ष 2020 की घोषित 27 छुट्टियों में इस बार विलय दिवस की छुट्टी जोड़ी गई है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में 72 साल बाद यह काम अनुच्छेद 370 और 35 के हटने के बाद हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी और पैंथर्स पार्टी समेत कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन बरसों से विलय दिवस पर अवकाश की मांग कर रहे थे, पर बात यहां तक नहीं है। प्रदेश प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में मनाए जाने वाले शहीदी दिवस, जो कि 13 जुलाई को मनाया जाता है, इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला की जयंती के रूप में 26 अक्टूबर का अवकाश भी रद्द कर दिया है। यानी अब यह दो विवादित अवकाश अब इतिहास बनने जा रहे हैं। पर इससे पहले कि इन अवकाशों के महत्व पर बात करें, उससे पहले यह भी जान लेना जरूरी है कि लद्दाख प्रशासन ने भी अपने 2020 के कैलेंडर में इन छुट्टियों को रद्द कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने इस पर बहुत पहले ही फैसला कर लिया था। इसका अर्थ यह भी है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर पर अपना पूरा ध्यान लगाए हुए है। अब यह भी समझ लीजिए कि जिस शहीदी दिवस के नाम पर 13 जुलाई को कश्मीर के टोपीदार हिंदुस्तान को चिढ़ाते थे, उसका इन टोपीदारों से क्या संबंध था। दरअसल 1931 में डोगरा राजवंश के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह के खिलाफ अफगान के रहने वाले अब्दुल कादिर नामक शख्स की ओर से आवाज उठाई गई। उन्होंने महाराजा पर आरोप लगाया कि वह मुस्लिमों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, जिसके बाद महाराजा की खिलाफत करने की वजह से अब्दुल को बंदी बना लिया गया। इस घटना के बाद कश्मीरी मुसलमानों ने श्रीनगर में अल्पसंख्यकों के साथ लूट खसोट और मारपीट शुरू कर दी। यहां सैकड़ों अल्पसंख्यकों, हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को इन लोगों ने निपटा डाला। फिर 13 जुलाई 1931 को अब्दुल कादिर के समर्थन में श्रीनगर के स्टेट जेल के बाहर प्रदर्शन करने लगे। कश्मीरी मुसलमानों ने यहां भी तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। महाराजा के सैनिकों ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो टोपीदारों ने अपना वह रूप दिखाया जिसके लिए ये जाने जाते हैं, यानी पत्थरबाजी। टोपीदार नहीं रुके तो महाराजा के निर्देश पर गवर्नर रेजादा तारकिलोक चंद ने रॉयल डोगरा आर्मी को गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे 22 प्रदर्शनकारी हुरो की खोज में भाग खड़े हुए। इस घटना पर इन टोपीदारों ने 1931 से 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाना शुरू किया था। अलगाववादी नेता पिछले साल तक इस दिन बंद का आह्वान तक करते आ रहे थे। पर मजे की बात यह है कि कश्मीर में 13 जुलाई शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता था तो जम्मू में इसे काला दिवस के रूप में मनाते थे। फिर जिस अब्दुल कादिर ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ टोपीदारों को भड़काया था, वह अफगानी था, लेकिन इन लोगों ने उसे शहीद का दर्जा दे दिया। शहीदी दिवस और शेख अब्दुल्ला की जयंती छुट्टी रद्द होने पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे सरकार द्वारा बदले की भावना से कार्रवाई बताया है, जबकि भाजपा और पैंथर्स पार्टी ने कहा है कि इससे राष्ट्रवादी भावना प्रबल होगी। अब पूरे जम्मू कश्मीर में शहीदी दिवस भी इतिहास की बात हो चुका है। इसके उलट विलय दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिस पर एक दिन बाद भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे। भारत सरकार ने यह निर्णय करके प्रदेश की जनता की वर्षों से की जा रही मांग को आज पूरा कर दिया है। इसका मतलब यह भी है कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुस्लिम स्टेट बनाने की जो साजिश 72 सालों से चली आ रही थी, अब उसे धीरे धीरे इतिहास बनाया जा रहा है। इन टोपीदारों ने पूरे कश्मीर में अब तक जितनी मनमानी की है, अब उस पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया गया है। सही मायनों में अब कश्मीर को धर्म निरपेक्ष बनाने पर काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के इस फैसले को आप किस दृष्टि से देखते हैं, अपने कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।